देखिए आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉर्न हैवर साइकिल बता रही हूँ या बॉर्न हैवर चक्र बता रही हूँ, इसे 1919 में एम बॉर्न ने तथा एफ हैवर ने इसके बारे में बताया। एफ हैवर के नाम से इसका नाम बॉर्न हैवर साइकिल पड़ा है, ठीक है। ये किसी यौगिक के बनने में कोई दो चीजें हैं जैसे कि सॉलिड है और गैस, ओके, यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर एक जालक ऊर्जा बनाएंगे या एक लैटिस संरचना बनाएंगे, जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। निकलती उसे क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए एक धन और एक ऋण मिलकर के क्या बनाएगा, दोनों एकत्रित होंगे तो NaCl बनेगा। NaCl किस अवस्था में बन जाएगा, ठोस अवस्था में बन जाएगा, ठीक है। एक क्रिस्टल जालक का रूप ले लेगा कि नहीं लेगा, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। इसमें 6 आयन होते हैं सोडियम के, 6 क्लोरीन के होते हैं जालक में, हमने आपको पढ़ाया था। वही चीज है, ये जालक ऊर्जा बनती है। जालक ऊर्जा को -U से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए बोर्न हैवर ने किसी आयनिक यौगिक के निर्माण में, आयनिक यौगिक क्या, आयन का मतलब क्या है, एक धन और एक ऋण। यौगिक मीन्स क्या होते हैं, कंपाउंड। उसमें हो सकता है एक सोडियम कंपाउंड ले लिया, एक क्लोरीन कंपाउंड ले लिया, तो किसी आयनिक यौगिक के निर्माण में कुल ऊष्मा, अब देखिए एक ठोस और एक गैस है, अब दोनों के निर्माण में टोटल जो एनर्जी होती है तो एक चक्रीय रूप दिया उन्होंने। कैसा फॉर्म दे दिया इसको, साइकिल फॉर्म दिया। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ये क्यूब फॉर्म पढ़ा था, या फिर एक मतलब अपन एक चौकोर संरचना हो जाती है, ठीक है, अष्टफल की संरचना पढ़ी थी, पर इन्होंने क्या बताया कि एक ऐसी संरचना हो जाती है, चक्रीय संरचना हो जाती है। फिर देखिए इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट होता है संवहन ऊष्मा या हीट फर्मेंटेशन, इसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसमें सोडियम ठोस अवस्था में है और अमाइन क्लोरीन गैस अवस्था में, तो इन दोनों के बनने में क्या संपूर्ण ऊर्जा इनकी परिवर्तित हो जाती है, कि सोडियम क्या होता है, हमेशा ठोस होता है, तो अपने ही तत्व को परिवर्तित करने के लिए जो एनर्जी लाभ करता है वो आयनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इस चक्र के पास आते हैं। ये देखिए बॉर्न हैवर साइकिल है, ओके, इसमें क्या है, सोडियम ठोस अवस्था में, इसको मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मोनो बॉन्ड टू क्लोरीन गैस है, अभी जो हमने आपको समझाया, फिर इसको क्या है, संभवन ऊष्मा है, गर्म किया, गर्म करने में कौन सा फॉर्म बदल गया, ये क्रिस्टल फॉर्म से चेंज हो गया, तो ये हो गई है स्टेट स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बाद देखिए साइक्लिक ग्रुप है, इसके बाद इसका उत्पादन होगा, उत्पादन मीन होता है बाष्प अवस्था में बदलने के लिए, एक ठोस है इसको किस रूप में बदलना है, बाष्प अवस्था में बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, उत्पादन की क्रिया करनी होगी 26 के कैलोरी में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब गैस फॉर्म में आने के बाद इसका आयनन विभव होगा। आयनन विभव क्या होता है, इससे एक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का निकलना, आयनन विभव जब होगा सोडियम का, तो देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। इसके बाद 118 कैलोरी, ठीक है, 118 कैलोरी में क्या होता है कि सोडियम गैस फॉर्म में आ गया। तो ये एक प्रोसीजर भी, इसके ठोस को क्या किया, उत्पादन किया, उत्पादन का तुम हीट किया, गर्म करने के बाद वो किस में बदल गया, वाष्प अवस्था में बदला, तो ये गैस रूप में आ गया। गैस रूप के बाद इसका क्या किया अपन ने, आयनन विभव किया, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये अपन को एक इलेक्ट्रॉन क्या मिल गया, सोडियम मिल गया, ओके। देन इसके बाद देखिए 1.2 Cl गैस है, क्या है, 1.2 Cl गैस है, तो इसका क्या वियोजन करेंगे, जब वियोजन करेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इसमें बाहर निकल के आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा तो फिर इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, एफिनिटी या बंधुता प्रदर्शित करेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आगे जुड़ जाएगा, तो Cl- हो गई। अब देखिए दोनों गैस फॉर्म में हो गए, ये भी गैस हो गए, क्योंकि इसका उत्पादन करके गर्म करके वाष्प अवस्था में बदल के इसको गैस में परिवर्तित किया। फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगी, इसमें लैटिस एनर्जी आ जाएगी और फिर ये NaCl बन जाएगा, फिर ये क्रिया चलती रहेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बॉर्न हैवर साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिया चक्रीय रूप में चलती है। इसके बाद देखिए जालक ऊर्जा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जालक ऊर्जा क्या कहलाती है, किसी दो यौगिक के बनने में जो ऊर्जा निकलती है उसको जालक ऊर्जा कहते हैं, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, तो यू इक्वल टू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एन ए अपॉन आर 1-1/n, जहां पे यू बराबर क्या होता है, जालक ऊर्जा हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश, तो धन और ऋण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं। जेड बराबर क्या हुआ, आयनों की संजक्ता या बैलेंसी, कितनी संजक्ता है। एन बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है, ओके। आर बराबर क्या हुआ, दूरी या आयन, जो आप शुरू में पढ़ चुके हैं कि रेडियस रेशो निकाल, दो आयनों के बीच की जो दूरी होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। एन क्या होता है, प्रति इकाई सेल, जो यूनिट सेल होता है, जो हम पहले आपको निकालना सिखा चुके हैं, जैसे सोडियम में एक यूनिट सेल में चार होते हैं, ठीक है, तो ये यूनिट सेल कहलाता है। तो ये आज आपको मैंने क्या बताया, बॉर्न हैवर साइकिल, और ये हर साल पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए।